हरियाणा में एसवाईएल का पानी लेने के लिए लड़ाई लड़ रही इनेलो पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला आज अंबाला जिला बार एसोसिएशन के समक्ष पहुंचे और एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला ना लागू होने को लेकर बार एसोसिएशन से मांग की कि वह इस मुद्दे को लेकर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखें और संविधान पीठ का फैसला लागू करवाने की मांग रखें। इनेलो पार्टी एसवाईएल व दादूपुर नहर का मुद्दा उठाकर अपना अस्तित्व प्रदेश में बचाने में जुटी है। इस मुद्दे को कैश करने में इनेलो नेता अभय चौटाला कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे। अभय चौटाला कभी पंजाब का कूच करके तो कभी खाली जेल भरो आंदोलन करके सरकार को घेरने की कोशिश करते आ रहे हैं। अंबाला में भी आज अभय चौटाला बार एसोसिएशन के द्वारे पहुंचे और कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी बार एसोसिएशन उनकी मदद करें व सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हरियाणा में लागू हुआ है उसको लेकर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखिए और इस फैसले को लागू करवाने को कहें। सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला आए हुए आज 19 महीने से ज्यादा समय हो गया। हमने अलग अलग चार चरणों में सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए। हमने बारी बारी देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करो, लेकिन जो व्यक्ति ये कहता था कि हरियाणा मेरा दूसरा घर है वो आज हरियाणा की अनदेखी कर रहे हैं। इसके लिए हमने बार एसोसिएशन के कार्यक्रम बनाए कि वकील जा करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए कानूनन लड़ाई भी लड़े और उसके साथ साथ अपनी अपनी बार से चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखे कि आपके फैसले को, जो संवैधानिक पीठ का फैसला है, आज केंद्र की सरकार उसको भी मानने को तैयार है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री को पानी पाकिस्तान को न भेजने की अपील के पत्र पर भी अभय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि चिट्ठी प्रधानमंत्री या देश का वाटर रिसोर्स मंत्री लिखे तो उसका महत्व है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर अपने पद की गरिमा को कम किया है। चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी है तो प्रधानमंत्री को लिखे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहीं से लागू होना है। अगर चिट्ठी से काम ना चले तो मुख्यमंत्री दबाव बनाए, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दे दें। किसी भी मुख्यमंत्री को किसी दूसरे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का अधिकार नहीं है। कोई मुख्यमंत्री किसी दूसरी स्टेट में दखल नहीं कर सकता। देश का प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे, देश का वाटर रिसोर्स मिनिस्टर चिट्ठी लिखे, उस चिट्ठी का तो महत्व है। इस मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख करके अपने पद की गरिमा को कम किया है। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला हमेशा मीडिया के सवालों से बचते हैं और कई बार उनकी नाराजगी मीडिया के साथ देखी भी गई है। हाल ही में बसपा व इनेलो के गठबंधन से पार्टी की जो किरकिरी हो रही है उससे अभय चौटाला भी परेशान दिख रहे हैं। अंबाला में एक पत्रकार ने जब उनसे गठबंधन के बंटवारे और रणनीति पर सवाल किया तो अभय चौटाला बिफर गए और कहा कि आपसे पूछकर फैसला होगा क्या, यह हमारा अपना फैसला है, चुनाव की घोषणा करवाओ, उम्मीदवार का अपने आप पता चल जाएगा। आपसे पूछ करके तय करेंगे क्या, ये हमारा अपना फैसला है, आप चुनाव की घोषणा कराओ, कैंडिडेट भी सामने आ जाएंगे और कहां से कौन लड़ेगा इस बात की जानकारी भी मिल जाएगी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की प्रदेश में चल रही हड़ताल 11वें दिन में पहुंच गई है, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकल सका है। इस पर अभय चौटाला से सवाल किया गया तो चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कौन सा कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है, तुम लोग यानी मीडिया भी हड़ताल पर आओगे, बस थोड़े दिन रुक जाओ और इंतजार करो। कौन सा कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं है, तुम भी स्ट्राइक पे आओगे, थोड़े दिन रुको।